प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह सालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुकानवाए फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, आज का जो वचन है, व्यभिचारी स्त्री को संदूकी फरीसियों ने क्यों पत्थर नहीं मारा। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वहां बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री को पथराव करके करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? योहन्ना 8:1-5। और ये लय व्यवस्था 20:10 में ये मूसा को परमेश्वर ने बात किया था, तो परमेश्वर ने इस व्यवस्था को लय व्यवस्था में 20 अध्याय में जो है 10 पद में इस प्रकार से, जो भी विचारी में पकड़ा जाए या व्यभिचार करे उसको पथराव करने का आदेश था। फिर हम योहन्ना 6:10 पढ़ते हैं, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब ये उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यहाँ सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। योहन्ना 8:1-11 में मेरे मित्रों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जिस पद को पढ़ लिए हैं, यहाँ एक व्यभिचारी स्त्री है जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, जो कि संदूकी फरीसी लोग, जो व्यवस्थापक को पूरी रीति से जानने वाला, जो व्यवस्था को पूरी रीति से जानने वाला और उसी व्यवस्था के अनुसार करने वाला लोग हैं, मानने वाला नहीं है, जानने वाला और करने वाला। अब मेरे मित्रों, यहाँ अभी भी बाइबल को जानने वाला और बाइबल को से लेकर करने वाला बहुत है, लेकिन बाइबल को मानने वाला बहुत कम है हम लोगों में से भी, मसीह में से भी। तो यीशु जैतून के पहाड़ पर गया था, उस समय उस जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे और जो भोर को फिर मंदिर में आया। रात को यीशु मसीह जैतून के पहाड़ में गए थे और फिर भोर में यीशु मसीह मंदिर में लौट आते हैं और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। कौन? यीशु मसीह के पास लोग आए और यीशु मसीह उन लोगों को उपदेश देने लगा। तब जो है, उसी उपदेश देते समय शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो
बेविचार में पकड़ी गई है, लेके आए उन लोगों ने, पकड़ के लेके आई है, पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, सबके बीच में जो यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, परमेश्वर का वचन को सुना रहा है और क्या उपदेश दे रहा है, बाइबल स्पष्ट नहीं करती क्या कर रहा था वो, यीशु मसीह क्या बोल रहे थे, कौन सा वचन बोल रहे थे, क्योंकि यूहन्ना के पुस्तक में लिखा गया है कि जब परमेश्वर के वचन ये सारे संसार के जितने भी समानों में पृथ्वी भर में लिखा जाता तो वो इसमें भी नहीं अड़ता, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हम जो उद्धार पा सके, मनुष्य का सुधार हो, इसलिए परमेश्वर ने इतना वचन दिया है। तो वहाँ पर यीशु मसीह जो उपदेशक दे रहे हैं और वहाँ हजारों का भीड़ है या 5,000 का है या 2,000 या 1,000 नहीं मालूम, वहाँ पर भीड़ में लाकर उस स्त्री को खड़ा करवा कर क्या पूछता है लोग, हे गुरु यह स्त्री क्या क्या चीज में पकड़ा गई है, व्यभिचार करते हुए पकड़ा गई है, व्यवस्था में जो मूसा ने जो दिया है लय व्यवस्था का 20:10 में कहा गया है कि मूसा के व्यवस्था ने हमें आज्ञा दी है, किसका, मूसा के व्यवस्था ने आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को जो व्यभिचार करती है, जो पकड़ा जाती है, उस स्त्री को क्या करना है, व्यवस्था 20:10 के अनुसार पथराव करके ढेर करके मार देना। फिर ऐसा बात तो ठीक है, व्यवस्था को तो ठीक ही करने के लिए आए थे, व्यवस्था को लोग जानते थे और व्यवस्था के अनुसार करते थे, लेकिन व्यवस्था को तो मानते नहीं थे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही थी, यीशु मसीह को परखने के लिए उन्होंने, जो संदूकियों ने फरीसियों ने यीशु मसीह को परखने के लिए ये बात कही थी, ताकि उस पर क्या हो, दोष लगाने के लिए कोई बात पाई जाए, क्योंकि यीशु मसीह कहता था कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ, अब्राहम से मैं पहले आया हूँ। उन लोगों को चीड़ था क्योंकि मूसा से पहले मैं था, इस प्रकार का जो शिक्षा था, और यीशु मसीह अधिकार के साथ लोगों को प्रचार करता था, परमेश्वर के वचन को सुनाता था, लेकिन संदूकी फरीसी लोग सुनाते थे लेकिन अधिकार के साथ नहीं, अपने मुंह में घूंघटा लगा के सुनाते थे, क्योंकि ऐसा वचन तो वो लोग मानते नहीं थे, वचन को जानते थे और वचन को करते थे, उसके अनुसार कार्य करते थे, लेकिन उसमें मानकर अपने जीवन में लागू नहीं करते थे। वचन को जानना और कार्य करना अलग बात है, लेकिन बात तो है मूसा के व्यवस्था से तो उसके अनुसार तो आए थे, परंतु यह बात यह है कि वो लोग परखने के लिए आए थे, किसको, स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर को, राजाओं को, राजा महाराजा परमेश्वर को, जो कि अल्फा ओमेगा आदि अंत, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार को वो परखने के लिए आए थे, जिसको जिसने उनको जन्माया, जिसने चुना, जिसको माता के गर्भ में रचा, उसी को परखने के लिए आए थे। तो दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। अब क्या लिख रहे थे क्या नहीं लिख रहे थे, बहुत से बाइबल विद्वान लोग बोलते हैं कि वो न्याय के लिए लिख रहे थे, उनको दंड के न्याय, क्योंकि दंड देने का आज्ञा तो सिर्फ मसीह यीशु पर है, जो भी हो क्या लिख रहे थे। जब ये उससे पूछते रहे यीशु मसीह से पूछते रहे, बोल क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, जल्दी बोल। वो लोग सोच रहे थे कि कहीं सुनो ठीक कर रहे हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा तो क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, स्त्री कैसे बढ़ती है कैसे उठती है, इसके हृदय इसको मन को मैं जानता हूँ, तुम लोग तो पत्थर तो छोटे बड़े सब पत्थर लाए हो, मुझे तो इतना बड़ा पत्थर दो कि उसका एक ही पत्थर में साफ किया जाए। सोच रहे होंगे ऐसे यीशु मसीह बोले कि हम लोगों के साथ शामिल हो, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र कहता है तो हम भी अब्राहम के संतान है, उनको मालूम था, दोष लगाने के लिए आए, पूछते रहे। तो उसने सीधे होकर
उसने कहा, यीशु ने कहा, स्वर्ग का सृजनहार ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पत्थर पहले उसको पत्थर मारे, जो कि जो निष्पाप है, जो कि कभी पाप नहीं किया है। क्योंकि वहां पर मेरे मित्रों निष्पाप तो एक ही व्यक्ति था, संदूकी फरीसियों में से बड़े से लेके बुजुर्ग तक जो पत्थर लेके आए थे उसमें से मात्र यीशु मसीह निष्पाप था। और फिर झुक कर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, पत्थर नहीं मारा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि सबसे निष्पाप हो वही पत्थर मारे। एक एक निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे खड़ा होकर जो भीड़ में बहुत से लोगों के बीच में खड़ा होकर उससे कहा, जो स्त्री से कहा, हे नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? क्योंकि दंड की आज्ञा देने का अधिकार तो किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो किसी ने वहां पर पत्थर नहीं मारा। तो मेरे मित्रों, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इस वचन के द्वारा जो मैं समझता हूँ, आज बहुत से मसीह भाइयों बहनों, बहुत से आप लोग वचन को जान लिए हैं और वचन का प्रकाश भी है, और वचन के ही द्वारा एक दूसरे को आप लोग पथराव कर रहे हैं। उसका शिक्षा यह है, उसका डिनोमिनेशन का वो है, उसका वो है, हम लोगों का ऐसा है, वैसा ऐसा है। लेकिन जैसा भी हो, आप बाइबल को पूरी रीति से अपने दिमाग में कवर क्यों ना कर लें, लेकिन आपके जीवन में क्रूस से होकर न गुजरे हो और यीशु मसीह को मुक्तिदाता, मेरे पाप के लिए उसने, मेरे अधर्मों के लिए सारा उसने बोझ उठाकर मुझे छुटकारा दिया है बोल के आपने स्वीकार न किया हो, और जीवित उद्धारकर्ता मेरा प्रभु वही है, उसके हृदय में नहीं रखा हो, आपके जीवन में नया जन्म ना पाए हो, तो आप जितना भी बाइबल आपने पवित्र आत्मा का नया जन्म नहीं पाया हो, तो जितना भी बाइबल आप पढ़िए, बाइबल का प्रकाश और परमेश्वर के बातों को नहीं जान पाएंगे, मनुष्य के हृदय को परख नहीं पाएंगे। क्योंकि मनुष्य के हृदय को परखने के लिए, मनुष्य के हृदय को जानने के लिए एक ही व्यक्ति है जो कि पवित्र आत्मा है, जो व्यक्तित्व में जो परमेश्वर यीशु ने पिता से विनती करके भेजा है। और पवित्र आत्मा जो नया जन्म पाते हैं, जो यीशु मसीह को पिता ने मुर्दों में से जिलाया है बोल के विश्वास करते हैं और मेरे पापों के लिए उसको क्रूस का सलीब को उठाना पड़ा था, अब यीशु मसीह मर गया, मैं मर गया, लेकिन यीशु मसीह जी गया, मैं नहीं जिया, अब यीशु मसीह मुझ में जीता है, मैं तो पाप अपराध अधर्म के कारण पाप का मजदूरी मृत्यु था, परंतु मैं तो मृत्यु में मर गया, अनंत जीवन कैसे आया? यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण आया। तो आज वहां पर क्यों पत्थर नहीं मारा किसी ने? क्योंकि यीशु ने पत्थर मारा ही नहीं, यीशु ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। यीशु ने पत्थर मारा ही नहीं, इसीलिए किसी ने नहीं मारा। आज यदि यीशु मसीह ने क्षमा किया है किसी को, बेविचारी को, हत्यारा को, पापी को, चोर को, डाकू को, और पवित्र आत्मा उस पर उतर गया है, उसका जीवन सुधार में आ गया है, बदल गया है, तो पत्थर क्या है, क्या मानने की जरूरत? आज पत्थर यह है मेरे मित्रों, एक कलीसिया का चुगली दूसरे कलीसिया में, इस कलीसिया से अच्छा मेरा कलीसिया और मेरे से शिक्षा ये अच्छा देता है, इससे अच्छा वो देता है, विश्वासी लोग भी इसी में पीसा गए हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, पूरे के पूरे मतलबी हो गए वो लोग, पास्टरों को
भविष्यवक्ताओं को, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को, चंगाईकर्ता को, प्रचारकों को अब तो परखने के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें कितना शक्ति है, कितने दम है, परखने के लिए आते हैं। वही पथराव है, क्योंकि संदूकी और फरीसी भी मूसा के व्यवस्था को तो लेके आया था। मूसा ने हमें व्यवस्था दिया है और वो व्यवस्था को जानते थे और उसी अनुसार करते थे, लेकिन नहीं मानते थे, और लेकिन फिर भी वो लोग परखने आए थे। आज बहुत से विश्वासी भाई बहनों, बुरा नहीं मानिएगा, बाइबल को जानते हो लेकिन बाइबल में नहीं चलते हो, बाइबल के अनुसार करते हो, और उस बाइबल को लोगों को परीक्षा में डालने के लिए और परखने के लिए पढ़ते हो और बताते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने क्या कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं, किसी ने नहीं मारा। यीशु ने बोला कि तूने, तुझे किसी ने दंड की आज्ञा न दी। मूसा की आज्ञा के अनुसार दंड था तुम्हारे लिए, मृत्यु था, किसी ने नहीं। उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप न करना। यीशु ने क्षमा किया। दंड की आज्ञा देने वाला यीशु मसीह, और यीशु ने किसी को यदि दंड का आज्ञा नहीं दिया है तो हम और आप कौन है जो कि दंड का आज्ञा देने वाला। हम कौन है उस कलीसिया को, ये करता वो कलीसिया वो करता है, वो कलीसिया वो करता। आजकल तो एक कलीसिया के विश्वासी दूसरा कलीसिया, दूसरा कलीसिया के विश्वासी दूसरा कलीसिया में जा रहे हैं और वो पथराव कर रहे हैं। हम लोग तो पथराव नहीं करते हैं, हम लोग तो सब कुछ छोड़ दिए हैं, लेकिन हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है। जैसे बाइबल में लिखा है, कौन कर सकता, कोई नहीं करेगा, ऐसा ऐसा व्यक्ति है। हाँ, वो नहीं कर सकता, वो जब तक नया जन्म उसके जीवन में नहीं पाएगा वो नहीं करेगा। बत्तीसवां लेकर नया जन्म नहीं पाता है, लेकिन बत्तीसवां लिया हुआ व्यक्ति नया जन्म नहीं पाता है, लेकिन नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति बत्तीसवां ले सकता है। अभी लोगों ने ज़्यादा नया जन्म पाए हुए लोग नहीं है, सब बत्तीसवां लिए हुए लोग हैं। और वो लोगों को पूछा जाए कि बत्तीसवां क्या है, आपने क्यों लिया, वो यीशु के नाम में जानते हैं लेकिन क्या चीज़ का बत्तीसवां लिया ये भी वो नहीं जानते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितना भी आप वचन सुनते हो, जब यीशु किसी को दंड की आज्ञा नहीं देता है तो यीशु फिर बोलता है कि पाप नहीं कर क्षमा करता है, तो हमें किसी के दंड की आज्ञा देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और किसी को बाइबल लाकर, व्यवस्था को लाकर, बाइबल को जानकर हम जानते हैं और हम करते हैं लेकिन मानते नहीं है, बीच वाला नहीं है। जानना, मानना, करना, तीन बात होता है। लेकिन संत की फरीसी लोग बाइबल को जानते थे, करते थे। अभी मसीह लोग भी जानते हैं और करते हैं लेकिन मानते नहीं। ये जो बीच वाला है ना, व्यक्तित्व अपने लिए है, उस व्यक्तित्व का जो बीच वाला काम करता है ना, तो कुछ भी वचन, थोड़ा से भी वचन जानता क्यों ना हो, उसके पास परमेश्वर नौ दान वरदान और आत्मा परखा वरदान तो जरूर देता है कि ये आदमी कौन है, कैसा है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, आज का जो वचन के से आपको आशीष मिले कि किसी को ठोकर के कारण होने के लिए हम व्यवस्था को, नियम को, बाइबल को लेकर आगे न बढ़े, क्योंकि हर एक भाई बहन जो मसीह में हैं, हम सब एक हैं और एक देहा हैं। हम लोग किसी कलीसिया का यो मेंबर, वो मेंबर, ये मेंबर, यहीं तक है, लेकिन हम स्वर्ग में परमेश्वर के जाने के लिए जीवन के पुस्तक में नाम लिखे हुए, जो कि दंड के आज्ञा देने का अधिकार मसीह यीशु के पास है, उसी के हम संतान हैं। हालेलुया, जय मसीह। इस वचन के द्वारा आपको बहुत दायित्व से परमेश्वर आशीष दे। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एलोहिम परमेश्वर, जो भी भाई बहन सुनते हैं इस वचन के द्वारा, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, जीवन में सुधार, सभी कुछ में, आर्थिक, भौतिक, प्रभु परमेश्वर, सामाजिक, शारीरिक, हर एक बात में पवित्र आत्मा का अभिषेक का सुधार मिले, यीशु के क्षमा मिले, यीशु के नाम से
पवित्र आत्मा का भरपूरी मिले यीशु के नाम से महिमा हो मांगते हैं आमीन।